इस्कॉन के बाहर आया, देखा अरे इतना बड़ा मंदिर है, मैंने तो इंटरनेट में देखा ये लोग अमेरिका पैसा भेजते हैं, चलो अंदर जाके देखता हूँ होता क्या है। जिज्ञासु जिज्ञासा के वश में अंदर आ गया, और अंदर आकर के बाद में वो खुद भी हरे कृष्ण हरे राम करने लगा। उसी प्रकार से जिज्ञासु और कौन है, अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ है जो धन की या किसी अभिलाषा की आसक्ति से भगवान के पास आए, मन्नतें पूरी करने के लिए भगवान के पास, अर्थार्थी। और चौथा है ज्ञानी, जो ये समझ गया है कि भौतिक संसार उन्हें सुख नहीं दे सकता, उन्हें केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में ही आनंद प्राप्त हो सकता है, ऐसे ज्ञानी भगवान की सेवा में आते हैं। तो प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं, पिछले श्लोक में बताया, जो दुष्ट है वो भगवान की सेवा में नहीं जाते। दुष्ट का विपरीत क्या है, जो पुण्य आत्मा है, जो साधु पुरुष है। ऐसे कौन लोग हैं, जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, यह सुकृति कहलाते हैं। अर्थात यह वह लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं, वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। यह सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। यह शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते। तो ये यद्यपि ये चार लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान इन्हें पुण्य आत्मा बोल रहे हैं कि कम से कम किसी कारण से तो भगवान की शरण में आ रहे हैं। जैसे मुझे एक प्रभुपाद जी का एक लीला स्मरण आ रही है, एक व्यक्ति ने प्रभुपाद की एक चित्र देखा बैक टू गॉडेड मैगजीन में, इस्कॉन की एक पत्रिका चलती है भगवत दर्शन। उस पत्रिका में एक चित्र था, जो हमारे प्रभुपाद हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, तो उनका एक चित्र उसमें था जिसमें उन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ था और उनकी घड़ी उसमें दिख रही थी। तो किसी भक्त ने उनको घड़ी भेंट में दी थी, उन्होंने पहनी हुई थी। तो एक व्यक्ति ने बॉम्बे में वो चित्र देखा और वो चित्र देख के इतना आकर्षित हो गया कि मैं ये घड़ी को चोरी करूंगा, स्वामी जी से मिलूंगा। किसी प्रकार से उसका जन्म जन्म से पेशा था चोरी करना, उसने निश्चय कर लिया ये घड़ी को मैं चोरी करूंगा। घड़ी के प्रलोभन से पत्रिका में इस्कॉन का एड्रेस देख के वो जुहू मंदिर पहुंच गया, वहां पर रहने लगा, हेड शेव करा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, भक्त भक्त बन गया। सुबह 4 बजे से उठता, रात तक काम करता। उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, भक्ति नहीं, घड़ी चुराना। शुद्ध भक्ति नहीं थी, लेकिन इस कारण से मंदिर में आ गए। अब भक्ति करते करते उसका हृदय ऐसा शुद्ध हुआ कि प्रभुपाद से मिलने की बड़ी इच्छा जागरूक हुई। प्रभुपाद उस समय हैदराबाद आए हुए थे, वो टेंपल प्रेसिडेंट से परमिशन लेके जाता है हैदराबाद। अभी भी वह इच्छा तो थी कि कहीं से घड़ी मिल जाए बस। तो बोले सोचा प्रभुपाद से मिलेंगे, घड़ी किसी प्रकार से चोरी कर ले। जब प्रभुपाद का पहली बार दर्शन किया, उनसे कथा श्रवण की, वो लास्ट उनका आसक्ति भी चली गई। प्रभुपाद से मिलके वो बोलता है पूरी कहानी, खुद ही बताता है कि मैं इस्कॉन में आया आपकी घड़ी चुराने के लिए। प्रभुपाद बोलते इतनी सी बात, प्रभुपाद ने घड़ी उतार के दे दी। प्रभुपाद बोलते हैं ये घड़ी मिलना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैंने जो तुम्हें कृष्ण भक्ति दी है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस प्रकार से ये शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन किसी प्रकार भक्ति में जो आ गए हैं, धीरे धीरे वे शुद्ध हो जाते। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, शुद्ध भक्ति कैसी होनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम,
ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनु कृष्णानु शीलनम भक्ति रुत्तम। शुद्ध भक्ति मतलब है जिसमें अन्य अभिलाषाएं ना हो, जिसमें स्वार्थ की भावना ना हो, जिसमें देने की भावना हो, लेने की भावना ना हो, वो कर्म की ज्ञान की प्रवृत्तियों से मुक्त हो, वो केवल कृष्ण के अनुकूल हो, ऐसी भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। ऐसे चार प्रकार के जो लोग भगवान की शरण में आते हैं, यह लोग धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं और भगवान इनको इसलिए मदद करते हैं कि किसी प्रकार से ये भक्ति में आगे बढ़े। देखो, अगर हम आर्त के बारे में सोचें, पीड़ित व्यक्ति के बारे में सोचें, तो यह सोचना बड़ा डिबेट का विषय होगा, विवाद का विषय होगा कि पीड़ित कौन है ना। भागवत में एक कहानी आती है, बहुत सुंदर कहानी है। एक बार एक गर्भवती गाय थी और वृंदावन वासी आ गए। देखो, वृंदावन यात्रा करके आए हैं, क्लास में भी आए हैं। तो एक गाय गर्भवती थी और एकादशी का दिन था, उसने एकादशी व्रत पालन किया। गाय ने भी एकादशी व्रत पालन किया, निर्जला, ना जल पिया ना कुछ खाया। उस प्रकार से अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह सुबह उसने एक बछड़े को जन्म दिया। जैसे ही बछड़े को जन्म दिया, उसको प्यास तो लगी थी, एकादशी निर्जला की थी, और यह बछड़े को जन्म देने का इतना कष्ट सहन करके उसकी प्यास और बढ़ गई। तो जन्म देते से ही यह गाय पानी पीने के लिए तालाब में गई। अब जब पानी पीने के लिए तालाब में गई, तालाब के पास एक व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था, बिस्लरी की बोतल लेके उनका ऊपर आक्रमण करने के लिए शेर इंतजार कर। शेर ऐसे ही तालाब के पास रुकते हैं कि जानवर पानी पीने आएंगे, उनके ऊपर आक्रमण कर। तो शेर जैसे ही आक्रमण करने वाला था, वो गाय चित्कार करके बोलती है, मैंने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है, उसको प्रथम दूध भी नहीं पिलाया है, मुझे केवल इतनी अनुमति दीजिए कि मैं जाऊं अपने बछड़े को प्रथम दूध पिला करके आ जाऊं, उसके बाद भले ही आप मुझे खा लेना। अब मुझे ये बताइए, यहाँ शेर पीड़ित है कि गाय पीड़ित है? कौन पीड़ित है? कौन पीड़ित है? शेर पीड़ित है। शेर गाय को खा जाएगा, गाय पीड़ित नहीं है? हाँ, अभी तो बात मानी नहीं है, अभी इस केस में बताओ, दोनों पीड़ित हैं। गाय को शेर खाएगा, गाय पीड़ित है, और मान लो शेर गाय की बात मान लेता है तो शेर पीड़ित है। अब मान लो भगवान किसकी रक्षा करेंगे? यहाँ बोला है आर्त की रक्षा भगवान करते हैं, पीड़ित की रक्षा भगवान करते हैं। किसकी रक्षा करेंगे? गाय की रक्षा करेंगे कि शेर की रक्षा करेंगे? गाय की करेंगे। तो शेर किसका बेटा है? भगवान तो गीता में बोले हैं ना, सर्व योनिष कौन्तेय, सारी सारी जीवात्माएं मेरे पुत्र पुत्री हैं। तो मान लो वृषाली माता जी प्रद्युम्न को खिलाएंगी, रुजुला को छोड़ देंगी, ऐसे थोड़ी चलेगा। दोनों की रक्षा करेंगे, दोनों की रक्षा करेंगे, देखते हैं आगे कैसे रक्षा करेंगे। तो ये गाय प्रॉमिस करती है। तो शेर बोलते, मैं आपकी बात कैसे मानूं? तो बोलिए, देखिए ये वृंदावन है, वृंदावन की कहानी, वृंदावन में कोई असत्य नहीं बोलता, तो हम आपको वचन देते हैं, आपको आहार मिल जाएगा, हम प्रथम दूध पिला के आपके पास आ जाएंगे। तो शेर बोलता है, ठीक है, हम इंतजार करते हैं। अब गाय रोती रोती बछड़े के पास जाती, नवजात बछड़ा प्रथम बार गाय का दूध पीता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद माता को देखता है, रो रही है, माता से बोलता है, माता आप रो क्यों रही हो? तो गाय पूरी कहानी बताती है कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, शेर ने हमको पकड़ा, हमने उनको वचन दिया है उनको आहार मिलेगा, लेकिन आपको प्रथम बार दूध भी पिलाना था इसलिए हम आ गए। बछड़ा बोलता है, देखिए आप हमारी माता हैं, आप तो बहुत सारे बछड़ों को जन्म दे सकती हैं, पर हमने तो अभी कुछ जीवन में किया ही नहीं है, तो हम अगर उनका आहार बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी शादी हुई है, ना हमारे बेटे, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे बछड़ों को जन्म दे सकती हैं, तो हमें जाने दीजिए। अब ये दोनों गाय और बछड़े लड़ रहे थे आपस में, इतने में उनको पालने वाला ग्वाला भी आ गया। ग्वाला बात सुनता है, क्या बात चल रही है? बोले, शेर के पास कौन जाएगा, ये डिबेट चल रहा है। बोले, शेर के पास मैं जाऊंगा, ना गाय जाएगी ना बछड़ा जाएगा, उनको पालने वाला
फल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पालन पोषण संरक्षण मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं जाके शेर को आहार बन जाऊंगा, आप दोनों अपना जीवन यापन कीजिए। अभी मानो हम लोग होते किस लिए लड़ रहे होते, तू जा पहले। अभी ये वृंदावन है, इसमें लड़ाई क्यों हो रही है, मैं जाऊंगा पहले। तीनों आपस में लड़ रहे थे, कंक्लूजन क्या निकला, चलो तीनों जाते हैं, तीनों ही शेर के पास जाते हैं, शेर से पूछेंगे किसको खाएगा। अब बछड़ा, गाय और ग्वाला तीनों ही शेर के पास गए। अब शेर तो बड़ा प्रसन्न हो गया, देन बाय वन गेट टू फ्री, तीन तीन चीजें आ गई सामने, ग्वाला है, बछड़ा है, गाय है। शेर बोलता है हम तो तीनों को खाऊंगा। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, किसकी रक्षा कौन करेगा, कौन आहार बनेगा, कौन बचेगा? तो गाय, बछड़ा और ग्वाला तीनों भगवान कृष्ण को पुकारते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। आपको उत्तानपाद की गोदी में ही बैठना है ना, हम जाके नहीं बैठूंगा, अभी मुझे ऐसा राज्य चाहिए जो अभी तक किसी को मिला ही नहीं, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए। ब्रह्मा से बड़ा राज्य किसको देंगे? लेकिन ध्रुव की हट थी, ब्रह्मा से बड़ा राज्य देना है तो दीजिए, नहीं तो रास्ता जाने दीजिए, हमको आगे बढ़ना है। तो नारद मुनि उनको फिर मार्ग बताते हैं, यह तो एक ही व्यक्ति कर सकता है जो ब्रह्मा का भी पिता है। ब्रह्मा का पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण की आराधना करो, उनको वृंदावन भेजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का निर्देश दिया, और 6 महीने के क्रैश कोर्स में ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। और भगवान जब आए सामने, तो भगवान को देख करके ध्रुव सब कुछ भूल गया, क्यों तपस्या कर रहा था, कितने तपस्या में कष्ट मिले, सब भूल गया। तो भगवान बोलते हैं, बेटा ध्रुव मांगो, क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए, आप सामने मिल गए, अब क्या चाहिए, मैं क्यों कांच के टुकड़ों के पीछे भागूं जब मेरे सामने साक्षात पारस मणि है। आप साक्षात मिल गए तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान समझाते हैं, बेटा ध्रुव समस्या क्या है, यदि मैं तुमको कुछ दूंगा नहीं ना, तो ये उज्जैन के लोग गीता पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि गीता में मैंने बोला है अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, कि अर्थार्थी मेरे पास आएगा तो मैं उसका फल प्रदान करूंगा, और तुम अर्थार्थी हो, तुम अर्थ के लोभ से मेरे पास आए हो, तो मुझे तुमको कुछ तो अर्थ देना ही पड़ेगा। तुमने मांगा है ब्रह्मा से बड़ा राज्य, तो तुमको ब्रह्मा से बड़ा राज्य दूंगा। इस भौतिक संसार में भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, उस स्थान को बोला जाता है श्वेत द्वीप। श्वेत अर्थात सफेद दुग्ध, क्योंकि श्वेत रंग का होता है, उस स्थान को बोलते हैं श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप में राज्य बना के ध्रुव के लिए दिया, जो ब्रह्मा भी अगर मर जाए, उनका राज्य भी खत्म हो जाए, तो भी श्वेत द्वीप नश्वर नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं ध्रुव तारा अटल है, हम बोलते हैं ना सारे तारे अपनी घूमते रहते हैं, चंद्रमा घूम, ध्रुव तारा नहीं घूमता है, ध्रुव तारा अटल असत्य है, जो सत्य है वो कभी भी नश्वर नहीं होता है। तो ब्रह्मा से बड़ा राज्य भगवान ने ध्रुव को प्रदान किया, और ये स्थापित किया कि वह अर्थार्थियों के भी एकमात्र शरण्य भगवान है। उसके बाद आते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासा, शास्त्रों में बताया गया है जो जिज्ञासा करता है वह मनुष्य है। कैसी जिज्ञासा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान के बारे में जिज्ञासा, आध्यात्मिक संसार के बारे में जिज्ञासा, हमारे अस्तित्व के बारे में जिज्ञासा। हम भी जिज्ञासा करते हैं, हमारी जिज्ञासा को बोलते हैं अथा तो भयंकर जिज्ञासा। ये हमारी जिज्ञासा है, हाँ, कहीं कुछ चल रहा है, एक व्यक्ति को 4 लोग मार रहे हैं, कितना हम कितना जरूरी काम हो, गाड़ी रुक के खड़ा, क्या हो रहा है, देखते हैं थोड़ा, किसको क्यों मार रहे हैं, इसको बोलते हैं भयंकर जिज्ञासा। आपका कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है वो लड़ाई में आपको 1-2 घूसा पड़ जाए, लेकिन ये होता है भयंकर जिज्ञासा। लेकिन जो ब्रह्म जिज्ञासा करे वह है मनुष्य, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ऐसे ही कलयुग की शुरुआत में नैमी शरण्य में 60,000 तपस्वी साधु भगवान को जानने के लिए एकत्र हुए।
भगवान कौन है, ये सृष्टि का कल्याण कैसे होगा। तो उस कल्याणार्थ कार्य के लिए उन लोगों ने सोचा कि हम यज्ञ करेंगे। तो बड़ा यज्ञ अनुष्ठान तैयार हुआ, आहुतियां लगी, स्वाहा 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 करते रहे। कई दिन, कई महीने, कई वर्ष निकल गए। जो गोरे चिट्टे साधु थे सब काले पड़ गए, धुआं उड़ उड़ के उनके कान नाक आंख सब में घुस गया, परेशान हो गए। बोले अरे हम काले पड़ गए, हम भैरे हो गए, हमें दिख नहीं रहा, हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्या करें। ये यज्ञ में फूक फूक के आहुति कुछ तो नहीं मिल रहा है, कल्याण कैसे होगा। तब वहां पर सुत गोस्वामी आते हैं और सुत गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ के धुएं ने हमारी नाक में दम कर दिया है, कल्याण का मार्ग बताइए, सत्य क्या है वह बताइए, परम सत्य क्या है, पर ब्रह्म क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है। तब सुत गोस्वामी ने भागवत पे प्रवचन करते हैं। जो आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, बाहर बहुत प्रचलित है, 7 दिन की कथा होती है, तो सुत गोस्वामी ने यही 60,000 नैमिष शरण के साधुओं को बताया। जिज्ञासु, जिज्ञासा के वश में भगवान के पास आते हैं, बाद में भक्त बन जाते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी। ज्ञानी लोग वह हैं जो समझ गए हैं कि भौतिक सृष्टि में किसी प्रकार का आनंद नहीं है, यह दुखालय है, यह हर वस्तु नश्वर है। हम बोलते हैं प्रेम अक्षर है, अविनाशी है। प्रेम कब अविनाशी होगा? जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वह व्यक्ति तो अविनाशी होना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करे, जब दोनों ही नश्वर हैं तो उनके बीच का प्रेम कैसे शाश्वत होगा, वह भी नश्वर होगा। हम किसी वस्तु से अपनी आसक्ति रखते हैं, वह वस्तु नश्वर है, तो हमारा उससे प्रेम आसक्ति कैसे शाश्वत हो सकती है। एकमात्र व्यक्ति से प्रेम संबंध शाश्वत रह सकता है जो व्यक्ति शाश्वत है, और एकमात्र व्यक्ति शाश्वत है वह है भगवान श्री कृष्ण। और सब स्थाई है और सब नश्वर है। ज्ञानी यह बात को समझ जाता है, इसलिए भगवान को वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मना सुदुर्लभा, वो समझ जाता है कि सब वस्तुओं का, सब परिस्थितियों का, हर स्थिति का गंतव्य है भगवान श्री कृष्ण, और इस परिस्थिति में वो भगवान को समर्पण करता है। तो ऐसे ज्ञानियों का उदाहरण आता है जो चार कुमार हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र चतुष्कुमार, सनकादि कुमार, छोटे छोटे बच्चों के रूप में रहते हैं, उनके वस्त्र दश दिशाएं हैं, हर जगह में उनकी एंट्री है, उनको कोई वीजा पासपोर्ट नहीं लगता है, सब जगह जा सकते हैं। और ऐसे सनत कुमार, ये चार चतुष्कुमार जो है, भ्रमण करते करते ब्रह्म की तलाश में वैकुंठ चले जाते हैं, और वैकुंठ जा करके प्रवेश करना चाहते हैं, उसी समय उनको कौन रोक देता है? जय और विजय द्वारपालों ने रोक देते हैं कि नहीं, कूपन है क्या आपके पास अंदर जाने के लिए? कैसे एंट्री कर रहे हैं, आपको अंदर नहीं जाने देंगे, रोक देते हैं। उनको जब रोकते हैं चतुष्कुमार, जय और विजय को श्राप देते हैं कि जाइए, आपके अंदर भौतिक देहात्म बुद्धि है, आप हमको छोटा समझ रहे हो, आप हमको नग्न समझ रहे हो, आप देहात्म रूप से हमको देख रहे हो, आपको वैकुंठ में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में तो वही जा सकता है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखे, जिसने गीता समझी हो कि हम देही हैं, हम देह नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो आपको वैकुंठ में रहने का अधिकार नहीं, आप धराधाम पे चले जाइए और राक्षस बन जाइए। जब यह श्राप उन्हें मिलता है, अंदर से भगवान विष्णु बाहर आते हैं, और जैसे ही भगवान विष्णु बाहर आते हैं, उनके चरणों पर लगी हुई तुलसी, उनके गले में पहनाई हुई वैजंती माला, वैजंती माला वास्तव में विष्णु नहीं पहनते हैं, वैजंती माला कृष्ण पहनते हैं, उनके गले में पड़ी हुई पुष्पों की सुगंधित माला, यह सब की सुगंध जब ये चतुष्कुमार के पास आई, वह सुगंध को लेकर के चतुष्कुमार अपने ब्रह्म ज्ञान को भूल गए। वह सोचते थे कि भगवान निराकार हैं, सब भूल गए, केवल भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध प्राप्त करके।
और उनने समझ लिया कि यही भगवान विष्णु परमेश्वर भगवान है, जो करोड़ों करोड़ परमात्माओं के स्रोत है, जो ब्रह्म ज्योति के स्रोत है, और वह साकारवादी भक्त बन गए। इस प्रकार ज्ञानी भगवान की शरण में आते हैं और वह भी भगवान की शरण लाभ करते हैं। अब प्रश्न है, चारों में से सबसे अच्छा कौन है? कौन कौन बोलते हैं अर्थ सबसे अच्छा है, जो पीड़ित है सबसे अच्छा है। समस्या आए भगवान के पास आओ, समस्या गई भगवान जाओ। कौन कौन को ऐसा लगता है अर्थ सबसे अच्छे हैं चारों में? कोई नहीं। दूसरा अर्थार्थी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, समस्याओं का समाधान कर दो, हमारे घर में धन संपत्ति दे दो, ऐश्वर्य दे दो, नौकरी दे दो। कौन कौन को ऐसा लगता है ये लोग, ये सबसे अच्छा व्यक्ति? जाना ही है किसी के पास, भगवान के पास जाओ, मांगो, खुश हो जाओ। किसको लगता है ये सबसे अच्छा है? तीसरा जिज्ञासु, समझने के लिए सोचने के लिए जिज्ञासा वश भगवान के पास आता है। हाँ, दो, एक आध वोट तो पढ़ना चाहिए। आया एक, एक आया, और कोई? दो, तीन, चार, पांच, छह, माताजी सबसे पहले, और कोई? सात, आठ, बहुत लोग आ रहे हैं। जिज्ञासु बहुत अच्छे। किसको किसको लगता है ज्ञानी सबसे अच्छा है? जिसने सब समझ लिया है कि हमें भगवान को शरण करना है, भगवत धाम जाना है, यह भौतिक संसार हमारा घर नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है। ज्ञानी किस किस को लगता है सबसे अच्छा है चारों में? अच्छा, बहुत लोगों ने हाथ उठाए। जिनने हाथ नहीं उठाया उनको चारों ही अच्छे नहीं लगते। हम ही सबसे अच्छे है, और कौन अच्छा है, हमसे बढ़कर कौन? ठीक है, चारों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है माना। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? चारों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ क्यों है? डेमोक्रेसी है माना, वोटिंग जिसको सबसे ज्यादा वह सबसे अच्छा, लेकिन क्यों, लॉजिक क्या है? जय प्रभु। जय प्रभु बोल रहे हैं कि अगर ज्ञानी भटक भी गया तो उसके पास तो ज्ञान है, वो फिर समझ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, बाकी लोग नहीं समझेंगे। विनीत शर्मा प्रभु, माइक माइक पे बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ज्ञानी को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, और यह शाश्वत संबंध है उसका, और यही सच्चा संबंध है। बाकी लोग अलग अलग हेतु से जान पाते हैं, और फिर वो बाकी लोग हेतु से जाते हैं, इसीलिए वो कम है थोड़े से। क्यों, इसमें क्या रिस्क है? आपने हाथ उठाया था, माइक दीजिए, आपका शुभ नाम बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा, नितेश गौड़। नितेश गौड़ बताइए। मुझे लगता है कि जो पीड़ित है उसका दुख तो दूर हो जाएगा, वो फिर से वैसे ही हो जाएगा। वेरी गुड। जो अर्थी है उसका अर्थ भी खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा, और जो जिज्ञासु है उसकी जिज्ञासा भी एक दिन शांत हो ही जानी है, लेकिन जो ज्ञानी है उसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। वेरी गुड। तो वो इसलिए सर्वोत्तम है। यही भगवान आगे बताएंगे कैसे ज्ञानी बड़ा उदार है, बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी लोगों का काम खत्म, भक्ति भी खत्म। हमने देखा है बहुत बार, कई भक्त जिज्ञासा वश आते हैं, बड़े प्रश्न पूछते हैं, भक्ति शास्त्री कर लेते हैं, भागवत पढ़ लेते हैं, चेतन चरितामृत पढ़ लेते हैं, अब उनको लगता है अभी और जानने लायक है क्या। अच्छा, कई वर्षों बाद तो हम कई बार ये एक्सरसाइज करते हैं, जब कोई क्लास देता है ना, हम आपस में बात करते हैं फ्रेंड्स लोग, देखना इसके बाद ये एग्जाम्पल देंगे, देखना इसके बाद ये श्लोक बोलेंगे, सबके उसमें थ्योरी तो वही है। तो इस एक समय पर आ करके जिज्ञासा भी पूर्ण हो जाती है। तो यह तीन लोग बाद में भगवान को छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञानी जो है वो समझ गया है वासुदेवम सर्वमिति। अगर वास्तविक वस्तु कुछ है, वेद्यम वास्तवम इत्र वस्तु, अगर कोई वास्तव वस्तु है तो वह है श्री कृष्ण। उन वास्तव वस्तु को समर्पण करके भक्ति करना है। तो ज्ञानी भगवान की शरण से फिर च्युत नहीं होता, वह चलता रहता है, इसलिए ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया है। आगे के श्लोकों में हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? कोई भी प्रश्न? नए लोग जो आए हैं कुछ पूछना चाहते हैं? माइक दीजिए। जो ज्ञानी नहीं है तो उसको तो ज्ञान चाहिए, वो तो जिज्ञासु रहेगा। जिज्ञासु और ज्ञानी में अंतर है। जिज्ञासु केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहता है, लेकिन ज्ञानी का अर्थ है जो उस थ्योरी को साक्षात्कार कर लिया, रियलाइज कर लिया, वो समझ गया है कि जो उसने तत्व पढ़ा है उसके ऊपर उसको रास्ते पे चलना है। अभी वो प्रैक्टिकल मार्ग में आ गए। तो ज्ञानी केवल जिज्ञासु नहीं है। हो सकता है ज्ञानी जिज्ञासा से शुरुआत किया हो, लेकिन अब वो समझ गया है कि यह भौतिक संसार मेरा घर नहीं, अब मुझे इससे छूट के मुक्त होना है। अब वह मुक्ति क्या है उसके लिए वो अग्रसर होता है। ज्ञान उसका भी पूर्ण नहीं है, लेकिन वो इतना समझ गया है कि यहां से मुक्त होके मुझे जाना है। फिर बाद में जब वो भक्त बनता है तब वो समझता है नहीं, मुक्ति के ऊपर भी कुछ है, भगवत धाम है, भगवान की सेवा है। तो वह फिर क्रमवश आगे बढ़ता जाता है उस प्रकार से। ठीक है, और कोई प्रश्न? माता जी का प्रश्न है उधर। हरे कृष्ण, हम ज्ञानी कैसे बने? हम ज्ञानी कैसे बने? जो ज्ञानी है उनसे ज्ञान प्राप्त करके। जैसे किसी को अगर डॉक्टर बनना है, डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टरेट कॉलेज में एडमिशन लेके। भगवान चतुर्थ अध्याय में गीता के बताते हैं कैसे तुम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शिना। कैसे ज्ञानी बनना है? तद विद्धि प्रणिपातेन। हम सही गुरु की कैसे? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले समर्पण करो, परिप्रश्नेन प्रश्न करो, और सेवया सेवा करो। किसकी? ये प्रश्न है ना, किसकी सेवा करें? बहुत लोग तो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। ज्ञानी न तत्व दर्शिना, जिसने तत्व को समझा है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान को अंगीकार किया है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति केवल भक्त बनने का ढोंग करता है, साधु बनने का ढोंग करता है और अपना व्यापार चलाता है, ऐसे नहीं। देखिए, शहर में झोला छाप डॉक्टर भी होता है, प्रमाणित डॉक्टर भी होता है। अभी आपको थोड़ा सतर्क बनना है कि प्रमाणित डॉक्टर कौन है। कैसे पहचाने प्रमाणित डॉक्टर कौन है? प्रथम सूचक है परंपरा। प्रथम सूचक परंपरा, वो किस परंपरा में आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है नहीं, हम तो एक दिन बैठे, हमने ध्यान लगाया और बस बल्ब जल गया, हमको सारा ज्ञान आ गया, ऐसा व्यक्ति प्रमाणित नहीं है। क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान अपौरुष्य है। अपौरुष्य मतलब हम और आप मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यह वैदिक ज्ञान भगवत कृपा से, भगवत प्राप्ति से आता है, भगवान के द्वारा आता है। तो ऐसा ज्ञान जो चार परंपराएं हैं प्रमाणित, उनमें प्रवाह हो रहा है। कौन सी चार परंपराएं हैं? प्रथम परंपरा है माधव परंपरा, जिसको ब्रह्म परंपरा बोलते हैं। प्रथम भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा को भगवान ने प्रथम ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास देव को दिया, और इस परंपरा में ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। तो अगर मध्व ब्रह्म मध्व परंपरा में कोई वैष्णव है उससे आप ज्ञान ले सकते हैं। दूसरा है कौमार परंपरा, चतुष्कुमार जिनका वर्णन अभी कर रहा था। चार कुमारों को भगवान संकर्षण ज्ञान देते हैं, भगवत ज्ञान देते हैं। चतुष्कुमारों की परंपरा है, अभी भी है, वृंदावन में बहुत सारे साधु संत हैं। चतुष्कुमारों की परंपरा में उस प्रकार से भगवत ज्ञान लिया जा सकता है। और कौन सा है? श्री संप्रदाय। पति अपनी पत्नी को तो गुह्य बात बताता ही है,
तो भगवान ने लक्ष्मी को अपना भगवत ज्ञान बताया। तो लक्ष्मी माता से एक परंपरा शुरू हुई जिसको श्री संप्रदाय बोलते हैं। आपने रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा, दक्षिण भारत में वो परंपरा अभी भी है, उसमें आप भगवत ज्ञान ले सकते हैं। और कौन सी परंपरा है? रुद्र परंपरा है। भगवान शिव को, क्योंकि भगवान शिव भगवान के परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, तो भगवान शिव को भी भगवान ने भगवत ज्ञान दिया। और उनकी भी एक परंपरा है, प्रचेताओं को भगवान शिव ने ज्ञान दिया, आगे भी बहुत सारे आचार्यों को दिया, वह परंपरा भी प्रचलित है। तो उस प्रकार से इन चारों परंपरा में कोई वैष्णव है वो प्रमाणित है। दूसरा सूचक, केवल परंपरा में आने से नहीं चलेगा, परंपरा की शिक्षाओं का क्या वो पालन करता है यह भी देखना है। केवल स्टैंप नहीं, हम इस्कॉन के डिवोटी है लेकिन बीच बीच में चाय भी पीते हैं, है ना। मैं वृंदावन में एक कथा मुझे याद आ गई थी, बता रहा हूँ। एक व्यक्ति मंदिर रोज आता था, वो देखता था एक गरीब आदमी है बाहर, झाड़ू लगाता है, जप करता है, मंदिर में फूल ला के देता है। तो एक धनी आदमी ने उसको कुछ भीख दे दी, कुछ डोनेशन दे दिया, कुछ धन दे दिए। रात में उसी ने देखा वो भिखारी शराब पी के दम मारो दम कर रहा है। तो उसको पकड़ा, बोले क्यों, तुम सुबह तो बड़ा मंदिर जा रहे थे, सफाई कर रहे थे, अभी क्या हुआ? बोला जप भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, कहीं भगवान ना बन जाऊं इसलिए पाप भी करता। तो ऐसे धूर्त लोगों का सेवा नहीं करना है। परंपरा में आ रहा है लेकिन क्या पालन कर रहा है क्या, यह भी देखना। तो इस प्रकार से प्रमाणित गुरु की खोज हमें करना चाहिए। बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं। उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी बताते हैं कि अत्याहार प्रयास, सॉरी, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्या। पर प्रमाणित गुरु कौन है? जो बोलने के वेग को थोड़ा रोक सके। बोलने का वेग रोकना बहुत कठिन है, आप महसूस कर सकते हैं। दो लोग लड़ेंगे, तीसरा जरूर बोलेगा, वो नहीं रोक सकता है। वाचो वेगम मनसा, मन के वेग को रोकना, क्रोध को रोकना, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर हम अलग से एक बहुत बड़ा सेशन कर सकते हैं, लेकिन बोलने का तात्पर्य है प्रमाणित गुरु के पास ज्ञान लाभ करने के लिए जाना चाहिए। और हमें बहुत विवेकपूर्ण ढंग से परीक्षा करनी चाहिए कि यह गुरु प्रमाणित है कि नहीं। जैसे जब दो लोग विवाह करते हैं तो बड़ी परीक्षा करते हैं, मोहल्ले में पूछवाते हैं हम लोग, है ना, ये घर कैसा है, परिवार कैसा है, फिर जो कॉलेज में वो पढ़ा है या पढ़ी है उस कॉलेज में पूछवाते हैं कि उनका आचरण कैसा है। इस तरह अलग अलग स्त्रोत्रों से खबर निकलवाते हैं, फिर जाके घर विजिट करते हैं, उनके घर में आचरण कैसा है, कैसे खाना परोसा, कैसे बात की, फिर संबंध सगाई होती है, फिर भी 6 महीने ट्रायल पीरियड, फिर देखते हैं क्या चल रहा है, सगाई के बाद कैसा व्यवहार है, क्या है, फिर शादी होती है। तो एक भौतिक जड़ संबंध के लिए इतना हम विवेक लगाते हैं जो कि नष्ट होने ही वाला है। बहुत लोगों का तो इसी जीवन में हो जाता है और मृत्यु के समय तो वो संबंध नष्ट होना ही है। तो जो संबंध हम गुरु के साथ स्थापित कर रहे हैं उसके लिए हमको कितना विवेक लगाना चाहिए, कितना जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यह संबंध जीवन जीवन चलेगा। चक्षुदान दिलोजयी जन्मे जन्मे प्रभु से, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं वो गुरु हमारे जन्म जन्म तक ख्याल रखते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि आप गुरु को समर्पण करेंगे, आप उनकी बात मानेंगे और गुरु भी जिम्मेदारी लेंगे कि जब तक यह व्यक्ति भगवत धाम नहीं पहुंचता, चाहे यह जीवन में चाहे कितना ही जीवन लगा ले, मैं इसको भगवत धाम पहुंचने तक साथ नहीं छोड़ूंगा, यह गुरु का वादा होता है। तो उस प्रकार आध्यात्मिक गुरु की खोज हमें करनी चाहिए और प्रमाणित गुरु के पास जाके समर्पण करना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा बोला करते थे, हम यह नहीं बोलते कि हम प्रमाणित गुरु हैं, प्रभुपाद बोलते थे, हम यह सिखाते हैं कौन प्रमाणित है कौन प्रमाणित नहीं है, अभी आप विवेक लगा के डिसीजन लीजिए, यह प्रभुपाद जी की शिक्षा। ठीक है, और कोई प्रश्न? विनीत प्रभु विनीत प्रभु उधर, प्रभु जी पीछे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे जो सत्संग मिलता है
तो वो प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से, परमात्मा कृपा से मिलता है, लेकिन ये कृपा सभी पे क्यों नहीं हो पाती है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी, यह भी हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। लोग बोलते हैं हमारे भाग्य में भक्ति है ही नहीं, तो भक्ति कैसे करेंगे? हमारे भाग्य में मंदिर जाना है ही नहीं, तो हम कैसे भक्ति करेंगे? आप लोगों को बोलिए थोड़ा, चलिए मंदिर चलिए, तो प्रभु जब बुलाएंगे तब जाएंगे। जैसे उनके पास व्हाट्सएप नंबर हो प्रभु का, प्रभु डेली व्हाट्सएप कर रहे हैं उनको कि आज मंदिर आ जाना, प्रभु जब बुलाएंगे जब जाएंगे। भाग्य से भक्ति। और दूसरा, लोग सोचते हैं जो धन ऐश्वर्य परिवार समृद्धि मिली है वो प्रयास से मिलेगी। लोग बोलते हैं ना, कर्म ही पूजा है, कर्म करो सब मिलेगा। पुरुषार्थ क्या है? जो करोगे अपने कर्म से प्राप्त कर लो, पूरी पृथ्वी तुम्हें मिल जाएगी। यह धारणा उल्टी है। भाग्य से भौतिक ऐश्वर्य मिलते हैं, भाग्य से धन मिलता है, भाग्य से परिवार मिलता है, भाग्य से आपको भौतिक संसाधन मिलते हैं। आप जितना कर्म कीजिए, कर्म आपके भाग्य अनुसार आपको फल देगा। लेकिन भक्ति चेष्टा से मिलती है। जो चेष्टा नहीं करेगा उसको भक्ति नहीं मिलेगी। ध्रुव का हमने उदाहरण देखा। ध्रुव यदि घर में ही बैठते, नारद मुनि बोल देते उत्तानपाद को डेली बिठाओ गोदी में, उत्तानपाद डेली गोदी में बिठाते, कृष्ण मिलते? चेष्टा से भक्ति मिलती है, भाग्य से भोग मिलता है। लोग उल्टा सोचते हैं, भाग्य से भक्ति मिलती है, चेष्टा से भोग मिलता है। नहीं, आप कितना कर्म कीजिए, कर्म प्रधान है, लेकिन कर्म आपको उतना ही दे पाएगा जितना आपके भाग्य में है, जितना आपके गुणों के लिए है, जितना आपके शरीर के लिए। मान लो मछली बहुत प्रयास करे कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, चढ़ पाएगी? उसका शरीर उस प्रकार से बना ही नहीं है, तो उसकी एक बाउंडेशन है, एक लिमिटेशन है। आपके भाग्य की एक बाउंडेशन है, कर्म उस बाउंड्री के अंदर ही आपको फल दे सकता है। लेकिन चेष्टा से भक्ति मिलती है। अगर आप भक्ति में तीव्र न भक्ति योग ने तीव्रता रखे, चेष्टा रखे, तो कृष्ण गारंटीड मिलेंगे। इसमें कोई गारंटी, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं। लेकिन भाग्य अगर समर्थन नहीं देगा, कितना ही चेष्टा कीजिए, हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। हर व्यक्ति अपना ये सोचे नहीं, देखो एक प्रधानमंत्री बन गया चाय बेचने वाला, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई, और दो दो सीएम हमारे है, एक साधु सीएम है कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, और एक ऑटो वाला मुख्यमंत्री बना कहाँ का, महाराष्ट्र का। तो सारे ऑटो वाले सोचे हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बनेंगे? भाग्य से भोग मिलता है, चेष्टा से भक्ति मिलती है। ये मन में बैठा लीजिए, आप जितनी चेष्टा रखेंगे भक्ति मिलेगी, गारंटीड कृष्ण मिलेंगे। तो जो लोग ये बोलते हैं कि सबके भाग्य में भक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि सब चेष्टा नहीं कर रहे हैं, सोए हुए हैं। आप मंदिर आइए, देखिए तीन तीन दरवाजे बड़े खुले हुए हैं, कितने लोग आना है आइए। प्रभुपाद बोलते थे पूरे संसार भी अगर इस्कॉन में आ जाएगा, मैं सबको खिलाऊंगा, सबको पालूंगा, सबको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। ओपन चैलेंज। कोई कंपनी बोल सकती है? TCS, विप्रो कोई बोल सकती है? कितने भी इंप्लॉई आ जाओ सबको हम नौकरी देंगे, कोई बोल सकता है? प्रभुपाद जी का ओपन चैलेंज है, क्योंकि चेष्टा से भक्ति मिलती है। जो सक्रिय होगा कृष्ण भक्ति में, उसको भगवान अपनी सेवा में लगाएंगे, उसका पालन पोषण भरण का जिम्मेदारी भगवान लेंगे, उतना विश्वास हमको होना चाहिए। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आपने बताया कि जो चतुष्कुमार गए थे जब जय विजय के पास, उन्होंने उनसे कहा कि आप क्योंकि हमें देह के रूप से देख रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको श्राप दिया। तो ये देह रूप से देखना या ये देहात्म बुद्धि से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं? देहात्म बुद्धि से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं? देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए ज्ञान की तलवार की आवश्यकता है, जो भगवान द्वितीय और तृतीय स्कंद, द्वितीय और तृतीय अध्याय में गीता की बता रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर। वह सांख्य योग, बुद्धि योग, संबंध ज्ञान स्थापित करता है, हमें बताता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। वह ज्ञान के माध्यम से, पहले तो ज्ञान और फिर बाद में नवम अध्याय भगवान बोलते हैं ज्ञान विज्ञान दोनों चाहिए। विज्ञान क्या होता है? वही ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में
पालन करना विज्ञान होता है। तो जब हम भक्ति की पंथा जो नव भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, इसमें जब लगते हैं तो वही ज्ञान धीरे धीरे साक्षात्कार में बदल जाता है। तो व्यक्ति समझने लगता है कि नहीं, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मेरा ये भौतिक संसार से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा भगवान के साथ रिश्ता है और मुझे उनके पास वापस जाना है। तो ये देहात्म बुद्धि से ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उठता है। जो सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही जंगल की तरफ चलने लगे, पीछे से व्यासदेव उनको पुकार रहे हैं, बेटा वापस आ जाओ, बेटा वापस आ जाओ। केवल उनको पेड़ों से चट्टानों से प्रतिध्वनि सुनाई दे रही, सुखदेव गोस्वामी कोई उत्तर ही नहीं दे रहे, चलते जा रहे हैं। रास्ते में कुछ युवतियां एक तालाब में नहा रही थी, तो वह युवतियां सुखदेव गोस्वामी गुजर गए, नहाती रही, और बाद में व्यासदेव आए तो वह युवतियों ने अपने आप को ढक लिया। तो व्यासदेव ने पूछा, क्यों, मेरा युवक पुत्र अभी यहां से गुजरा है, तुमने अपने आप को नहीं ढका, मैं बुढ़ा दाढ़ी वाला व्यास, मेरे को देख के क्यों ढक लिया, मैं तो पिता नहीं तुम्हारा दादा जैसा हूं, मेरे लिए तो तुम बच्चियां हो। बोलते, नहीं, आपका पुत्र देहात्म बुद्धि से ऊपर है, वो साक्षात्कार कर लिया है, उसको कोई भेद नहीं है कौन पुरुष है कौन महिला है कौन बच्चा है कोई शेर है कौन सांप है। अभी सांप यहां आ जाएगा तो हम बोलेंगे धेनु अस्मिन यथा देह, सब भाग जाएंगे यहां से, लेकिन देहात्म बुद्धि से ऊपर जो है उनको यह सब प्रभावित नहीं करता। तो धीरे धीरे, पहले ज्ञान उसके बाद विज्ञान, जब हम भक्ति को पालन करते हैं धीरे धीरे वह साक्षात्कार में बदल जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को चैतन्य भागवत बोलती है, जिसने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को सांप बिच्छू अग्नि जल सब रास्ता दे देते हैं, क्योंकि उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा उनको बोल देते हैं, नहीं, ये देहात्म बुद्धि से ऊपर है, इसको काटना नहीं, इसको जलाना नहीं, इसको डुबाना नहीं। तो पूरी प्रकृति उस भक्त की सेवा में लग जाती है, देहात्म बुद्धि से जो ऊपर उठ गया। लेकिन जो देहात्म बुद्धि में है उसके लिए सांप सांप ही है, वो काटेगा, उसके लिए शेर शेर है, वो काटेगा। तो उस प्रकार से हमको देहात्म बुद्धि पहले ज्ञान से, फिर धीरे धीरे विज्ञान से, नवदा भक्ति के माध्यम से साक्षात्कार। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम समापन करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की निताय।